हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूरा ज्ञान सीखो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के सभी लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों के बारे में। दोस्तों, राजस्थान में कुल 25 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे अलवर लोकसभा क्षेत्र के बारे में। अलवर लोकसभा सीट पर यादवों का दबदबा है। आपको बता दें कि दोस्तों, अलवर लोकसभा क्षेत्र उत्तर भारत में स्थित है और अलवर लोकसभा क्षेत्र की स्थापना सन 1952 में हुई थी। अलवर लोकसभा क्षेत्र के अंदर कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें तिजारा, किशनगढ़ बास, मुंडावर, बहरोड, अलवर ग्रामीण, अलवर शहर, रामगढ़ और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ आते हैं। और वर्तमान समय में यहाँ पर जो सांसद का पद है वो खाली है, क्योंकि यहाँ पर जो सांसद थे बाबा बालकनाथ, वो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं 2023 के चुनाव में। दोस्तों, आपको बता दें कि अलवर लोकसभा क्षेत्र में सबसे पहले जो चुनाव हुआ वो 1952 में हुआ था। 1952 के चुनाव में यहाँ से शोभा राम कुमावत ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। उसके बाद में दोस्तों जो चुनाव हुआ 1957 में हुआ। 1957 के चुनाव में भी यहाँ से शोभा राम कुमावत ने ही चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। दोस्तों, 1962 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से काशीराम गुप्ता ने चुनाव जीता, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे। और 1967 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से भोलानाथ मास्टर ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। अगला जो चुनाव हुआ वो 1971 में हुआ। 1971 के चुनाव में हरीश प्रसाद शर्मा ने यहाँ से चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। और अगला चुनाव हुआ वो 1977 में हुआ। 1977 के चुनाव में रामजी लाल यादव ने अलवर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता, जो कि जनता पार्टी से आते थे। 1980 1984 के चुनाव में यहाँ से राम सिंह यादव ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। और 1989 के लोकसभा चुनाव से अलवर लोकसभा क्षेत्र से रामजीलाल यादव ने चुनाव जीता, जो कि जनता दल से आते थे। 1991 के चुनाव में यहाँ से महेंद्र कुमार ने चुनाव जीता, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते थे। और 1996 के लोकसभा चुनाव से नवल किशोर शर्मा ने चुनाव जीता, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से आते थे। 1998 के चुनाव में यहाँ से घासीराम यादव ने चुनाव जीता था, जो कि कांग्रेस पार्टी से ही आते थे। दोस्तों, 1999 के लोकसभा चुनाव से अलवर लोकसभा क्षेत्र से जसवंत सिंह यादव ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। और 2004 के लोकसभा चुनाव में करण सिंह यादव ने चुनाव जीता था, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। और अगला जो चुनाव हुआ 2009 में हुआ। 2009 के चुनाव में अलवर लोकसभा क्षेत्र से जितेंद्र सिंह ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। उसके बाद में जो चुनाव हुआ दोस्तों 2014 में हुआ। 2014 में अलवर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के महंत चांदनाथ और कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह के बीच में मुकाबला हुआ। बात करें कुल वोटों की, तो महंत चांदनाथ को 6,42,278 वोट मिले, वहीं भंवर जितेंद्र सिंह को 3,58,383 वोट मिले। इस प्रकार 2014 के लोकसभा चुनाव में अलवर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के महंत चांदनाथ ने 2,83,895 वोटों से जीत हासिल की। उसके बाद में दोस्तों अलवर लोकसभा क्षेत्र में 2018 में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के अंदर कांग्रेस से करण सिंह यादव और बीजेपी से जसवंत सिंह यादव के बीच में मुकाबला हुआ। बात करें कुल वोटों की, तो कांग्रेस के करण सिंह यादव को 6,42,416 वोट मिले, वहीं भाजपा के जसवंत सिंह यादव को 4,45,920 वोट मिले। इस प्रकार 2018 के उपचुनाव में अलवर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के करण सिंह यादव ने 1,96,496 वोटों से जीत हासिल की। बात करें दोस्तों 2019 के चुनाव की, तो 2019 के चुनाव में भाजपा के महंत बालकनाथ और कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह के बीच में मुकाबला हुआ। बात करें कुल वोटों की, तो बाबा बालकनाथ को 7,60,201 वोट मिले और कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह को 4,30,230 वोट मिले। इस प्रकार 2019 के लोकसभा चुनाव में अलवर लोकसभा क्षेत्र से बाबा बालकनाथ ने 3,29,971 वोटों से बड़ी जीत हासिल की। अब दोस्तों 2024 के चुनाव में देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा बालकनाथ को ही यहाँ से मैदान में उतारा जाएगा या किसी नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो तय है कि भंवर सिंह जितेंद्र की जगह किसी नए उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा जाएगा। दोस्तों
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर कोई ऐसी अपडेट मिलती है उम्मीदवारों को लेकर, तो वह जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। आप अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं तो नाम कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।